look at this rope. This is my life's last rope. If I will not success in my YouTube career, I will die using this rope after breaking my life's barrier. So sad. पंखा है और शोर इतना ये कर रहा, लगता है इसका माथा ठनका है। और ये कुछ बैग है, लगेज है और बहुत सारा सामान है। और ये भगवान है। और ये पकवान है, मतलब ये आटा चावल की बोरी है जो अभी पूरा पैक है। और ये आटा का डब्बा है जो अभी अब्बा टब्बा जब्बा है। तो ये है अपने घर का इन्वर्टर। हाँ, आपके अपने चैनल का वीडियो क्रिएटर। लुक एट दिस रोप, दिस इज माई लाइफ लास्ट रोप। इफ आई विल नॉट सक्सेस इन माई यूट्यूब करियर, आई विल डाई यूजिंग दिस रोप आफ्टर ब्रेकिंग माई लाइफ बेरियर। सो सैड। तो ये कुछ अपने घर के फैन है, दिख रहा है ना। तो उसमें से ये एक और ये एक, ये दोनों ओल्ड है और वो जो है एकदम बोल्ड और न्यू है। वैसे एक्सेल लाइफ के ग्रुप का नाम भी आरटीडी क्रियू है। तो ये थोड़ा अपना घर है, दिस इज माय होम टूर। तो चलिए यार, ज़्यादा डायलॉग ना देते हुए शुरू करते हैं ये अपना ये व्लॉग, ठीक है ना। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी लेट से आ रहा है क्योंकि थोड़ा मुझे कुछ काम था, मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं रात के एक मिनट, अभी रात के बज रहे हैं 1:47, मतलब सुबह हो चुका है यार। तो आज है संडे, मतलब जब रात के एक बज गए तो मतलब हो गया ना। तो मुझे अभी नहीं आ रहा है 1% का नींद, बिकॉज मेरा जिम हो चुका है छुट्टी। तो उधर मैं जिम कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा सो रहा था। पर अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जिम बंद हो ही चुका है तो क्यों ना घर पे ही एक्सरसाइज किया जाए, वर्कआउट किया जाए। तो ऑब्वियसली ये मेरा वर्कआउट वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखना। अपना SD कैम भी हो रहा है चार्ज, तो उसी के द्वारा मैं टाइम लैप्स के साथ आपको अपना एक्सरसाइज वीडियो दिखाऊंगा। हालांकि अभी मेरा शुरुआत है तो मैं बहुत जल्दी थक जाता हूं, ज़्यादा वर्कआउट नहीं करने पाता हूं, फिर भी कोशिश करूंगा। तो अभी फ़िलहाल घर पे सब सो रहे हैं, तो आप देख रहे हो जैसा कि फ़ैन चल रहा था और फ़ैन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, तो उधर थोड़ा साउंड नहीं आया होगा तो माफ़ कर देना, बट मैंने पूरी कोशिश की थी। और पापा भी एक तरफ सो रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल मम्मी आज घर पर नहीं है, तो सोचे कि ये व्लॉग शूट कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी रहने से तो बोलते रहती है सो सो सो, नींद आओ जबरदस्ती आओ, तो पापा को कोई मतलब नहीं रहता। और ऑब्वियसली बहन भी सो रही है, तो बस रात को अकेले जग के आपके लिए व्लॉग बना रहे, क्योंकि व्लॉग बहुत दिन से व्लॉग नहीं बनाए थे तो मन भी नहीं लग रहा था। तो कल संडे है तो ऑब्वियसली कहीं निकलेंगे, और भी हम रांची एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे, बिकॉज फिर से थोड़ा कर्फ्यू वर्फ्यू लग गया, तो अभी बाहर जा नहीं पा रहे। जमशेदपुर जाने का प्लान था मेरा, बट जहाँ जाना था वो अभी बंद हो चुका है। तो क्या था उसको आपको बाद में पता चलेगा अपकमिंग वीडियोस में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, समझ रहे हो ना। शिवांगी टू के चैनल पर आपका स्वागत है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। और चाहते चैनल पर नए और कंटेंट पसंद आता तो यार सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए, और साथ ही मेरे शॉर्ट वीडियो वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसको मैं मतलब सिर्फ आराम से बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। और साथ ही फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, और साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो यार, अपने हाथ में आ चुका है अपना स्पोर्ट्स एक्शन कैमरा, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं, फिर भी है 15,000 का, जो कि मुझे पड़ा था। बट ऑनलाइन प्राइस है 11,000 और ऑफलाइन मुझे लगभग 4,000 महंगा पड़ा था, पता नहीं क्यों बट पड़ा था। तो अभी पूरा वीडियो इसी से शूट करेंगे, समझ रहे हो ना, वर्कआउट वाला। बट हम थोड़ा सा थक चुके हैं, बिकॉज वीडियो शूट स्टार्ट करने से पहले, मतलब अपना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले भी मैंने थोड़ा सा अपना वर्कआउट किया था,
बिकॉज मुझे नींद नहीं आ रही भाई, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढने के लाए, न जाने कहाँ नींद खो गया। पता नहीं मुझे गाने भी नहीं आता। तो चलिए यार फटाफट से अपना वर्कआउट शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे भाई। एक बार मैं मेहनत करके शिवांग किटो को नहीं देखना चाहते हो क्या अगला बार? तो चलिए यार फटाफट से 1 2 3 शुरू करते हैं। तो यार अभी शुरुआत है और 2-3 दिन जिम छूट गया है, तो अभी 10 बार ही करने में हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब मैं जिम नहीं जाता था मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता था कि हाउ टू डू अ पुशअप, तो मैं बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा करता था। मुझे लगता था कि मैं एक पुशअप करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हूँ, पहले मैं 15-20-25 एक बार में मार लेता था, बट मुझे जो प्रॉपर वे पता चला है ना तब उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो अब स्ट्रगल जारी है, संघर्ष जारी है, अब की बारी है, तो जल्दी ही कुछ करेंगे। तो चलो यार अभी आगे का भी कुछ कुछ करते हैं, ठीक है ना? Watch this. तो ये एक्सरसाइज मैं जो साइकिल वाला था इसको मैं स्पेशली अपने ऐप्स के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज ये एक्सरसाइज ऐप्स के लिए एक परफेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप चाहे तो घर पे ऐप्स इस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, और भी बहुत सारा है, बट थोड़ा सा एक माउंटेन क्लाइंबिंग भी है एक बहुत बढ़िया ऐप्स बनाने के लिए, बट अभी मैं माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं कर सकता बिकॉज वो करूँगा तो घर पे ज़्यादा ही शोर होगा और सब जगेंगे। फिलहाल अब थोड़ा थोड़ा मुझे नींद आ रहा है, बट और कुछ पुशअप ट्राई करते हैं, थोड़ा अपने छत से लटकने का कोशिश नहीं करेंगे, पुलअप नहीं कर सकते, तो फिर से थोड़ा और पुशअप ट्राई करते हैं, ठीक है ना? तो जुटे रहना। तो ये मैं सिर्फ 5 ही टाइम्स कर पाया बिकॉज इस पर थोड़ा खड़ा रहना डिफ़िकल्ट हो रहा था, और यहाँ पे मेरा नाखून मेरे पाम्स में धंस रहे थे, थोड़ी देर और मैं करता तो क्या पता धंस जाते और ब्लड भी बाहर आ सकता था, बट कोई ना करेंगे। तो अभी जिम बंद है ना, झारखंड सरकार ने पार्क जिम कॉलेज स्कूल पर रोक लगाया हुआ है, तो पता मैंने सिर्फ 3 ही दिन जिम किया और मेरा थोड़ा सा एडवांस भी फंसा हुआ है, तो वैसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, जब भी जिम खुलेगा मैं रिकवर कर लूँगा 500। तो चलो यार और कुछ कुछ करने का कोशिश करते हैं, कोशिश ये कोशिश। तो ये जो अभी फिलहाल मैं पोजीशन पे खड़ा हूँ ये भी ऐप्स के लिए, तो मैं ऐप्स पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, पता नहीं कितने दिन में मेरा ऐप्स बनेगा, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। और इस प्रकार से मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रहा, तो थोड़ा अपने शरीर को थका रहा हूँ ताकि अंदर से थका हुआ लगे तो नींद थोड़ा जल्दी आए। करते ओके लेट मी ट्राई। तो उसके लिए मुझे कुछ पैर पे अपने भारी रखना पड़ेगा बिकॉज वहाँ से पैर उठने का चांस है,
तो ये मैं थोड़ा देखता हूँ, ये मेरा बैग पे कितना वजन है, इसमें ज़्यादा तो नहीं है बट ओके। और वेट अभी मुझे उठाना नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ वेट उठा के। ओके तो दोस्तों ये मेरे घर पे कुछ सीमेंट पड़ा हुआ था तो इसको मैं ले आया हूँ, तो इस पर पूरा भारी है, लगभग आराम से 20 किलो का होगा। तो इसको मैं अपने पैर पर रख लेता हूँ बिकॉज मेरा पैर उठे ना, तो वो एक्सरसाइज करने में ना पैर उठ जाता है। जिम में क्या होता है ना कि मैं वहाँ पे ऐसा फंसाने वाला कुछ होता है, वहाँ पर मैं फंसा के अपने आप को ऐसा ऐसा कर लेता हूँ। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके पड़ी होंगे तो लगभग 20 केजीज का होगा या फिर उससे ज़्यादा ही होगा। तो इससे क्या होता है ना कि आप अपने पैर पे इसको रख सकते हो ताकि ये आपका पैर आगे से ना उठे, सिर्फ आपका ये पोर्शन उठे, मतलब स्टमक से ऊपर का पोर्शन उठे और ये पैर ना उठे। इससे क्या होता है ना कि एब्स तो इस यहाँ पर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा इंस्टेंट वर्कआउट है बिकॉज 3-4 दिन ही हुए हैं मुझे और हेल्दी फूड खाना है बट मन नहीं ना मांगता है, मन सिर्फ जंक फूड की तरफ आता है। तो फिर भी कोशिश जारी है। तो थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद मुझे पानी प्यास लगा है, तो चलिए आप पानी पीते हैं और इस ब्लॉग को अभी ख़त्म करें कि नहीं ख़त्म करें। हाँ ख़त्म कर ही देते हैं बिकॉज ज़्यादा कोई ख़ास नहीं था, एक नाइट वीडियो था और अभी करंटली 2 बज चुके हैं। तो कल संडे है तो कल भी कोई तगड़ा ब्लॉग शूट होगा, कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं बिकॉज लगभग 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया मैं अपने घर से कहीं दूर ना गया हूँ। बिकॉज पिछला हफ्ता मैं गया था दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद फिर एक बार जमशेदपुर जाने का मेरा प्लान था बट जैसे मेरा प्लान बन ही रहा था कि हेमंत सोरेन जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ऑफ झारखंड, उन्होंने पार्क स्कूल कॉलेज जिम पे कर्फ्यू लगा दिया, बैन लगा दिया। तो इस चलते मैं जा नहीं पाया, मुझे जाना था कुछ अच्छा ही जगह पे। तो ठीक है ना, तो लव यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये थोड़ा सा लिटिल बिट वर्कआउट वीडियो सुसाइड वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही कंटेंट पसंद आ रहा होगा यानी हम पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ ही बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।